हेलो एंड वेलकम बैक टू टॉप एमसीक्यू सीरीज ऑफ कोको, जिसमें आप जानते हैं हम एमसीक्यू के माध्यम से आपके सीजीपीएससी का पूरा कोर्स हम कंप्लीट करा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले आपके पास मैथ्स लेके आया था, अब नया सेशन चालू हो रहा है रीजनिंग का। रीजनिंग का जो पहला टॉपिक है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं रैंकिंग से। अब ये रैंकिंग स्टार्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम टॉपिक इसी से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों? आपको पोजीशन मालूम होना बहुत जरूरी है। आगे जाके हम इंग्लिश अल्फाबेट करेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे, डायरेक्शन करेंगे, पजल करेंगे, तो उसमें बेसिक आप मालूम होना चाहिए कि आपको जो पोजीशन है ऊपर से, लेफ्ट से, राइट से, या जब मूवमेंट करेगा तो पोजीशन आप मालूम होना जरूरी है। ठीक है, तो जो टॉपिक है आपका है रैंकिंग। रैंकिंग मतलब यहां पर क्या हुआ, क्रम परीक्षण हुआ। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं रैंकिंग का क्या होता है। ठीक, जैसे ये मेरा हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड है। सेम आपका जो कॉपी होगा वो भी आपका क्या होगा, राइट होगा, और वो भी आपका क्या होगा, लेफ्ट होगा। अगर मान लो मैं इस दिशा की ओर जा रहा हूं, यहां से इधर जा रहा हूं, तो ये जो कंडीशन है ना, ये मेरा कहां से है, बाएं से। कहां से है, बाएं से, मतलब ये मेरा जो है ना स्टेट वो कहां पर है, फ्रॉम लेफ्ट से है। ठीक है, फ्रॉम कहां से है, लेफ्ट से। अगर मैं पोजीशन यहां से लिया, ठीक है, तो ये मेरा एंड यहां से आ रहा है, तो ये जो मेरा पोजीशन होगा, ये पोजीशन क्या होगा, दाएं से होगा। दैट मींस यहां पर क्या होगा, राइट एंड से होगा। ठीक है, अगर सपोज मैंने बोला कि बाएं से फोर्थ, मैंने बोला बाएं से फोर्थ, तो 1 2 3 ये हो जाएगा हमारे पास फोर्थ। ये अच्छा, अगर मैंने बोला बाएं से फोर्थ, इसका मतलब यहां पर क्या हुआ कि बाएं से फोर्थ मतलब ये जो पोजीशन यहां पर क्या हो गया, फोर्थ हो गया। तो इससे पहले यहां पर कितने लोग होंगे, 3 लोग होंगे, इस चीज को याद रखना। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, अब अगर सपोज मैंने यहां पर बोला है कि इसको मैंने बोला है दाएं से, अगर मैंने बोला है सेवेंथ, अगर मैंने बोला है दाएं से सेवेंथ, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 ये पोजीशन मेरा दाएं से क्या हो गया, सेवन। अगर मैं दाएं से सेवन्थ बोला हूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सातवां स्थान है। तो इसका मतलब इसके राइट हैंड में कितने लोग होंगे, 6 लोग होंगे। ठीक, ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। उसके बाद अगर मान लो किसी का पोजीशन फिक्स है, मान लो यहां पर ए, इसका पोजीशन फिक्स है, तो अगर मैं इसके इधर काउंट किया तो ये मेरा कहलाएगा लेफ्ट होगा, और इधर गया तो ये मेरा क्या होगा, राइट होगा। मतलब अगर मैं यहां से ए के इस ओर गया तो मैं बाईं ओर जा रहा हूं, और ए के इस ओर गया तो मैं दाईं ओर यहां पर जा रहा हूं, ये चीज को याद रखना। अब अगर सपोज मैंने बोला कि ए के दाएं पांचवा, मैंने बोला है ए के दाएं पांचवा, मतलब ए का पोजीशन फिक्स है, तो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 के बाद यहां पर क्या होगा, जो भी होगा यहां पर होगा। इसका मतलब ए के दाएं पांचवा, मतलब यहां पर पोजीशन ये वाला फिक्स हो गया, ये वाला मेरा पोजीशन हुआ। ठीक है, ये पोजीशन हुआ, और बीच में कितने लोग होंगे, बीच में आपके पास कितने लोग होंगे, 4 लोग होंगे। यहां तक क्लियर? ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था इधर पे, लेफ्ट और राइट वाला। ठीक, दूसरा जो एक और कॉन्सेप्ट है वो आपका कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो आपको दिया हुआ है टोटल, मतलब एक आपकी जो लाइन है ना, एक आपकी पंक्ति है या एक वर्ग है, उसमें आपको टोटल दिया, मतलब कुल दिया है। मान लो कुल आपके पास x है, और किसी एक एंड से, किसी एक एंड से, वन एंड से, किसी भी एक छोर से ना, किसी भी एक छोर से आपका पोजीशन y है, किसी भी एक छोर से आपका पोजीशन y है, और आपको दूसरे साइड से उसका पोजीशन आपको ज्ञात करना है। आपको कुल व्यक्तियों की संख्या दिया है, एक कतार में कितने लोग हैं, किसी एक छोर से आपको दिया है स्थान, आपको दूसरे छोर से उसका पता करना है, तो उसका सूत्र होगा x - y + 1। ठीक है, हम देख लेते हैं कैसा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब मैंने बोल दिया कि टोटल 12 लोग हैं।
मैं ऐसा मान लेता हूं कि यहां पर एक आदमी पी को बैठा लेता हूं, ठीक है, एक आदमी पी को बैठा लेता हूं। तो अब इसमें पी का पोजीशन अगर मैं लेफ्ट हैंड से देखा तो एक दो तीन चार पांच, यहां से पांच हुआ, और अगर बोलूंगा पी का पोजीशन यहां पे राइट हैंड से कितना होगा तो एक दो तीन चार पांच छह सात और आठ, कितना हुआ आठ, ठीक है। हमको ये दिया था और हमको निकालना ये था, और हमको कुल कितना दिया हुआ है, बारह दिया हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, बारह माइनस पांच प्लस एक। अक्सर हम ये वाली गलती करते हैं, हम एक को प्लस नहीं करते हैं, हड़बड़ी में क्या होता है एक को प्लस नहीं करते, क्योंकि क्या हुआ कि आपका पोजीशन ये आदमी के कॉमन है, ये आदमी कॉमन है, ये आदमी कॉमन है, एक बार यहां पर आ रहा है और एक बार यहां पर आ रहा है, इसीलिए इस चीज को याद रखना, ठीक। ये हमारा पहला कंडीशन होगा। नाउ द सेकेंड सिनारियो ये होगा कि आपको दोनों साइड से पोजीशन दिया, आपको यहां से पोजीशन दिया हुआ है एक्स और आपको यहां से पोजीशन दिया हुआ है वाई, और आपको निकालने बोलेगा टोटल। तो ये कंडीशन पे होगा एक्स प्लस वाई माइनस वन। मान लो एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से बारहवां है और दाएं से बीसवां है, यही ए है ना, ए यहां से बारह नंबर पर है और यहां से बीस नंबर पर है, और बोला है कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने होंगे, तो 12 प्लस 20 माइनस 1 32 माइनस 1, द आंसर विल बी 31, ठीक है। एक और होगा, जब पोजीशन को क्या करेंगे इंटरचेंज करेंगे, वो जब क्वेश्चन आएगा तो आपको मैं उसके साथ बताऊंगा, ठीक। ये कॉन्सेप्ट को लिख लो और ध्यान से देख लो, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं, पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है। राम इज 7 टू द लेफ्ट ऑफ श्याम, हु इज 31st फ्रॉम द लेफ्ट इन अ रो ऑफ 50 स्टूडेंट्स, ठीक है, पढ़ लिए ध्यान से। राम श्याम के बाएं हैं, कितने स्थान पर, सात। राम जो है श्याम के बाएं हैं, सातवें स्थान पर, इसका मतलब बीच में कितने लोग हो गए, बीच में यहां पर छह लोग हो गए, ठीक है। और क्या बोल रहा है, 50 छात्रों में बाएं से 31वां है, यहां से कितना नंबर पर है, 31 नंबर पर है। अगर यहां से श्याम 31 नंबर पर हुआ तो श्याम के बाद यहां पर कितने लोग होंगे, 19 लोग होंगे। हमको दाएं से राम का स्थान निकालना है, तो यहां पर 19 लोग हो चुके हैं, 20वां श्याम, 6 और हो चुके, 26 हो गए। 26 के बाद यहां पर राम है तो राम का पोजीशन क्या हो जाएगा, 26 के बाद है वो, तो नंबर क्या हो जाएगा उसका, 27। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ रो ऑफ 40 स्टूडेंट्स, 40 लोग हैं, महेश 28 है लेफ्ट से और सुरेश 25 है राइट से, और दिनेश ठीक मध्य में बैठा हुआ है दोनों के, तो दिनेश का पोजीशन निकालना है लेफ्ट हैंड से, ठीक। देख लीजिए आप लोग, देखिए क्लास में टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं, महेश 28 है लेफ्ट एंड से, 28 है लेफ्ट एंड से, इसका मतलब महेश 28 है लेफ्ट हैंड से, तो इसका मतलब टोटल 40 स्टूडेंट है, तो यहां पर कितने लोग हो चुके हैं, 12 लोग हमारे पास उधर हो चुके हैं, ठीक है। सुरेश जो है राइट साइड से 25वें नंबर पर है, सुरेश राइट साइड से 25वें नंबर पर है, इसका मतलब यहां पर कितने लोग हो चुके हैं, 15। अब देखिए टोटल अगर मैं यहां से यहां तक लिया, टोटल 40 विद्यार्थी हैं, 15 यहां हो चुके हैं, 12 यहां हो चुके हैं, तो 15 प्लस 12 मतलब 27 हो चुके हैं, तो बीच में कितने लोग बचेंगे, 27 हो चुके हैं तो बीच में बचे हमारे पास 13 लोग बचे,
उस 13 व्यक्ति में एक दिनेश है जो ठीक बीच में बैठा है। ये बंदा दिनेश है जो ठीक बीच में बैठा है। तो 13 बंदों में एक दिनेश निकल चुका है, तो बचे कितने? 12। 12 में 6 इधर बैठेंगे और 6 इधर बैठेंगे। आपको निकालना है, बाएं साइड से आपको दिनेश का पोजीशन निकालना है। तो यहां तक आपके पास 15 लोग हो चुके हैं और ये 6 हो चुके हैं, तो मतलब 15 6 21 हो चुके हैं। 21 हो चुके हैं, 21 के बाद दिनेश बैठा है, तो 21 के बाद अगर बैठेगा तो कौन सा नंबर होगा? 22वां। तो ये हमारा आंसर होगा 22वां। क्लियर? देख लीजिए ध्यान से, उतार लीजिए, फिर अगले प्रश्न में आते हैं। चलिए अगला, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। जब आपस में स्थान बदल लेते हैं, जब आपस में स्थान बदल लेते हैं, ये आपका बोल रहा है जय बाएं से 21वां है। और विजय 24वां है दाएं से। ये कंडीशन हमारे पास क्लियर हुआ। अब क्या कह रहा है? इंटरचेंज कर ले रहे हैं। इंटरचेंज मतलब यहां पर क्या हो गया, यहां पर आ गया है विजय और यहां पर आ गया है जय, क्योंकि पोजीशन चेंज हो गया है। तो जब पोजीशन चेंज हुआ तो इसका मतलब कहां चला गया? जय चले जाएगा विजय की जगह, और विजय कहां चले जाएगा? जय की जगह। इसका मतलब पहले विजय बाएं से 21वें नंबर पर था, तो अब विजय क्या होगा? अब विजय बाएं से 21वें नंबर पर है। अपना पोजीशन चेंज कर लिए। ऐसा करने के बाद क्या हो रहा है? विजय दाएं छोर से कितना हो जा रहा है? 31वां। विजय कितना हो जा रहा है? इधर से कितने नंबर पर हो जा रहा है? 31 नंबर पर। कौन हो जा रहा है? विजय, क्योंकि पोजीशन चेंज कर लिए हैं। अब इस कंडीशन में विजय बाएं से 21वां है और यही विजय दाएं से 31वां है, तो इस पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे? वो होंगे 21 प्लस 31 माइनस 1, मतलब 52 में से 1 गया, तो ये कितना हो जाएगा? 51। तो इसका मतलब इस कक्षा में टोटल 51 विद्यार्थी हमारे पास हैं। हमको निकालना बाएं से जय का स्थान। बाएं से क्या निकालना है? जय का स्थान निकालना है। अब जय यहां पर चला गया है। अब जय कहां पे चला गया? इधर पे चला गया ना अपने पास। तो भाई अब जय यहां से अगर मैं देखा, जय यहां पर आ गया, तो जय 51 लोग में, जय 51 लोग में यहां पर क्या बोल रहा है अपने पास? क्या निकालना है? बाएं से जय का स्थान निकालना है। ठीक है भाई, बाएं से, अच्छा जय यहां चला गया ना, ठीक। तो यहां से 51 लोग में अगर मैं देखा, जय यहां से आ गया, यहां से उसका पोजीशन क्या है? 24। दाएं से 24 है, बाएं से निकालना है, तो 51 माइनस 24 प्लस क्या होगा? 1। तो 11 में 7 24, 27 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा? 28। हमारा पुराना कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जब अदल बदल रहे थे, हमको पहले क्या बोला था? यहां पर जय बाएं से दिया हुआ है और विजय कहां से दिया हुआ है? दाएं से दिया हुआ है। जब अपना पोजीशन चेंज किए, जब अपना पोजीशन चेंज किए, तो ये जो विजय है ना, दाएं से 31वां। पोजीशन हम जब चेंज किए हैं ना, तो यहां पर इससे पहले भी विजय का पोजीशन दाएं से दिया था और अभी पोजीशन कहां से दिया हुआ है? दाएं से दिया है। मान लो पहले विजय आपका यहां से दिया हुआ है और जब पोजीशन को चेंज कर लिए, हम जब ने क्या किया, पोजीशन को चेंज कर लिया और उसको यहां से किया है, पोजीशन चेंज करके उसको यहां से किया है, तो उस कंडीशन पे क्या होगा? कैनॉट डिटरमाइन। आप आंसर नहीं निकाल सकते उसका। उस चीज को याद रखना, आप उसका आंसर कतई निकाल सकते, क्योंकि उस कंडीशन पे आपके पास कुल विद्यार्थियों की संख्या आएगी नहीं, और जब आप कुल विद्यार्थी जानते ही नहीं है, तो दाएं से बाएं से उसका औचित्य ही नहीं निकालने का। क्लियर? ध्यान से देख लीजिए।
अगला शैलेश को मालूम चलता है कि वो 19 फ्रॉम द राइट हैंड, मालूम चलता है शैलेश को मालूम चलता है कि एक पंक्ति में यहां से वो 19वें नंबर पर है और यहां से वो 5वें नंबर पर है। अब जो शैलेश है ना, यहां से 19वें नंबर पर है और यहां से 5वें नंबर पर है, तो इसका मतलब इसमें जो शैलेश जिस पंक्ति में खड़ा है उसमें कुल कितने लोग हो गए, 19 + 5 - 1, तो कितने हो गए, 23 लोग। अब क्वेश्चन बोला है कि कितने और लोग को जोड़ा जाए कि क्या हो जाए, 40 हो। अपने पास 23 लोग हैं और हमको टोटल, मतलब पहले आपके पास 23 लोग हैं और हमको टोटल अब कितने लोग करना है, 40 लोग को करना है, तो कितना एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, इसको इसे माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 17, मतलब हमको 17 और लोग लगेंगे ताकि उस पंक्ति में टोटल आपके पास 40 लोग हो जाए। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़िए उस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है 21 लोग हैं, ये पूरी पंक्ति है उसमें 21 लोग हैं, हिमांशु को शिफ्ट कर दे रहे हैं 4 places टूवर्ड्स राइट। मान लो हिमांशु पहले यहां पर था, उसको राइट में 4 place खिसका दे रहे हैं, 4 place खिसकाए, इसका मतलब यहां पर बीच में कितने लोग हो गए, 3 लोग हो गए और उसके बाद अब हिमांशु यहां पर है। तो जब ये कर रहा है तो ये देख रहा है कि वह 12वां हो जा रहा है, कहां से, लेफ्ट हैंड से, यहां से कितने नंबर पर हो जा रहा है, 12वां हो जा रहा है। इतना खिसकाने के बाद वो 12वां हो रहा है, ठीक है ना, इतना खिसकाने के बाद वहां पर क्या हो रहा है, वो 12वां नंबर पर हो रहा है, ठीक है। तो दाएं छोर से उसकी पहले की स्थिति आपको निकालना है, दाएं छोर से अपने को पहली स्थिति निकालना है। अब 21 हो गए, 21 पहले 12 हुआ, 12 से अब अगर सपोज आपको वो इधर आ रहा है, वो आपको पहले का पोजीशन निकालना है ना, इधर आया पहले यहां था, तो 12 और 3 15 और ये कितना हो जाएगा, 16, इसका मतलब 21 लोग में वो पहले दाएं छोर से कितने नंबर पर था, 16वें नंबर पर था, तो बाएं छोर से उसका स्थान कितना हो जाएगा, 21 - 16 + 1, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6, ये हमारा आंसर होगा इनमें से कोई। याद रखना, इसमें बहुत बार कंफ्यूज होगा आपको, इसमें कंफ्यूजन क्या होगा आपको, ये लगेगा कि भाई ऐसा है कि जब उसको दाएं 4 स्थान खिसका रहे तो दाएं उसको 4 स्थान ऐसे क्यों नहीं खिसकाए, ये चीज याद रखना, दाएं से बोलेगा तो ये, हम दाएं से बोलेगा तो यहां से लेंगे, बाएं से बोलेगा तो ये लेंगे, लेकिन अगर किसी का पोजिशन फिक्स किया उस पोजिशन से उसको बाएं और दाएं सरकाएंगे तो ये होगा इसका दाएं और ये होगा इसका बाएं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम हमेशा अक्सर कंफ्यूजन में फंस जाते हैं, तो उसको ध्यान रखना। अगला, ठीक है, इन ए रो ऑफ चिल्ड्रेन प्रियंका इज 15 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, प्रियंका लेफ्ट हैंड से 15वें नंबर पर है। अगर प्रियंका यहां से 15 नंबर पर है ना, तो इसका मतलब यहां पर कितने लोग हो गए, 14 लोग हो गए, ठीक। अगर वो शिफ्ट हो जाती टुवर्ड्स राइट एंड ऑफ द रो 4 place, अब वो राइट एंड पे 4 place हो जा रही है, मतलब 1, 2, 3 के बाद यहां पे अब आ जा रही प्रियंका, यहां पे आ जा, तो वो राइट हैंड से कितने नंबर पर हो जा रही है, 8, तो वो राइट हैंड से कहां पर हो जा रही, 8वें नंबर पर हो जा रही, यहां से 8वें नंबर पर हो रही है, ठीक है ना, यहां से 8वें नंबर पर हो रही है। तो अपने को पता करना है कि कुल कक्षा में कितने लोग हैं, ठीक है भाई, ठीक। अब पहले यहां से 15 नंबर पर थी, यहां पे से मतलब 15 नंबर पर यहां पर थी, यहां आई तो 16 हुआ, यहां आए तो 17 हुआ, यहां आए तो 18 हुआ और यहां आए तो क्या हुआ, 19 हुआ, ऐसा ही होगा, यही होगा क्या, ठीक, ध्यान समझते हैं कहां पर क्या बोल रहा है।
अब पहले पहले यहां से कितने नंबर पर थी, पहले यहां से इधर से मैं देखा 15 नंबर पर थी, अब वापस इधर जाएगी तो इधर से मैं देखूंगा तो यहां पर ये 14 13 12 और 11 मतलब यहां से कितने नंबर पर हो गए 11 नंबर पर। तो यही प्रियंका यहां से 11वें 8वें नंबर पर है और यहां से वो कितने नंबर पर है 11वें नंबर पर है, तो टोटल बोलेगा तो कितना हो जाएगा 11 प्लस 8 माइनस 1 तो 19 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा सॉरी 18, ये हमारा आंसर। अच्छा प्रियंका सॉरी सॉरी अच्छा ठीक है सॉरी सॉरी ठीक कर लीजिएगा, ठीक कर लीजिएगा इसको। प्रियंका बाएं से ना, अच्छा प्रियंका 15th है लेफ्ट हैंड से, अच्छा प्रियंका यहां से, उसको मैं राइट लिख किया था, प्रियंका यहां से 15th पे है ना, प्रियंका यहां से 15th नंबर पर है और अगर वो चार स्थान दाएं सरक जा रही है 1 2 3 4, अब प्रियंका यहां पर पहुंच गई है ना, तो प्रियंका उस कंडीशन पे यहां पर कितने नंबर पर है 8वें नंबर पर है। ठीक, अब प्रियंका पहले यहां से 15 नंबर पर थी तो ये 16 17 18 और ये 19, मतलब प्रियंका यहां से कितने नंबर पर है 19 नंबर पर। ठीक है, यही बोला ना अपने पास चार स्थान, उसको यहां पर क्या करें उसको चार स्थान टूवर्ड्स द राइट हैंड बाई 4 प्लेसेस, ठीक 8 फ्रॉम द राइट हैंड। ठीक, यहां से क्या हो गया, अब यहां पर यहां से वो 8 आ गई है तो टोटल बोलेगा तो दोनों प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 27 में से 1 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 26। ठीक है, क्लियर हुआ। अगला, थर्टी नाइन छात्रों के कक्षा में रवि सुमित से 7 स्थान आगे, रवि सुमित से अच्छा स्थान में क्या होता है, स्थान का याद रखना, मेरा स्थान 7वां है और आपका स्थान 15 है। मान लो मैं बोला मेरा स्थान 7वां है आपका स्थान 15 है तो आगे कौन हुआ, आगे मैं हुआ क्योंकि मेरा रैंक कम है। नंबर के हिसाब से ऑपोजिट होता है रैंक वाला, उस चीज को याद रखना। ठीक है, तो 29 छात्र कक्षा में रवि सुमित से 7 स्थान आगे है, सुमित अंतिम से 17 नंबर पर है, सुमित अंतिम से 17 नंबर पर है। ठीक है, तो रवि का स्थान कहां से, मतलब रवि का स्टार्टिंग कहां से होगा। ठीक है, अब सुमित जो है यहां से 17 नंबर पर है, पीछे से कितने नंबर पर 17 नंबर पर है और उससे वो 7 स्थान आगे, तो बीच में यहां पर 6 लोग हुए और 7वां यहां पर कौन हुआ, यहां पर 7वां यहां पर क्या हुआ, रवि हुआ। तो इसका मतलब रवि का नीचे से स्थान कितना हो जाएगा 17, 7 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 हमारे पास हो जाएगा। तो 39 विद्यार्थियों में इसका स्थान नीचे से 24 नंबर पर है और हमको ऊपर से निकालना है, तो ये दोनों को माइनस किए 39 माइनस 24 कितना हुआ 15 और एक हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 16, ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा है, क्यों, क्योंकि ये आपका स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं तो ऐसे में क्वेश्चन को आपको पूरा ध्यान से एक एक चीज को पढ़ना पड़ेगा, पॉसिबिलिटी देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा पॉसिबिलिटी बन सकता है, कौन कौन सा आपका नहीं बन सकता है। तो एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को तो क्लियर हो जाएगा।
15 चिल्ड्रेन आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, 15 लोग हैं, रवि इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ प्रभा एंड इज 8 फ्रॉम लेफ्ट एंड, रवि लेफ्ट एंड से कितने नंबर पर है, 8वें नंबर पर है, ठीक है ना। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लोग हो गए, ठीक है। तो यहां 8 लोग हो गए, यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लोग बचेंगे, ठीक है। एंड इज लेफ्ट ऑफ प्रभा, प्रभा के जस्ट लेफ्ट में है, तो यहां पर कौन हो गई, प्रभा, ठीक। अर्जुन इज सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड, अर्जुन यहां से दूसरे नंबर पर है, ठीक है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास गलत है, हमको ये पता, ठीक है। प्रभा दाएं छोर से 7वें स्थान पर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सही है, ठीक है। प्रभा और अर्जुन के बीच 4 लोग हैं, बिल्कुल सही है, 4 लोग हैं। रवि और अर्जुन के बीच 5 बच्चे हैं, हाँ बिल्कुल सही है, 5 लोग हैं। अर्जुन बाएं छोर से 13वें स्थान पर है, नहीं गलत है, क्यों, अगर टोटल 15 लोग हैं, अगर यहां से इसका स्थान दूसरा है तो यहां से उसका स्थान कितना होगा, 15 - 2 + 1 करना पड़ेगा भाई, तो 13 + 1 कितना हो जाएगा, 14। तो ये जो होगा ये गलत होगा, और इस 13वें की जगह यहां पर क्या होगा हमारे पास, 14th हमारे पास। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंटरचेंज वाला ना आपको पहले बताया था, इंटरचेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में एक और क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपका, ठीक। दो क्वेश्चन बताऊंगा, दोनों को ध्यान से देख लो। गणेश लेफ्ट से 12th स्थान पर है, ये हमारे गणेश भाई साहब है, लेफ्ट से 12th नंबर पर है, और हमारे दूसरे आदरणीय व्यक्ति राजन है, वो यहां से कहां पर है, 15th स्थान पर बैठे, ठीक है। दोनों ने अपना पोजीशन चेंज कर लिया, तो यहां पर गणेश आ गया है और यहां पर राजन आ गया, ऐसा करने पर राजन यहां से कितने नंबर पर हो जाएगा, 20वें नंबर पर हो जाएगा, कितने नंबर पर, 20वें। अच्छा, पोजीशन चेंज कर ली है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहले यहां पर कौन था, पहले यहां पर आपका गणेश था, गणेश कहां चला गया, राजन की जगह, और राजन कहां चला गया, गणेश की जगह। तो इसका मतलब यहां पे जो राजन है, गणेश यहां से कितने नंबर पर था, 12 नंबर पर, मतलब अब जो राजन है वो यहां से 12वें नंबर पर है और यहां से 20वें नंबर पर है, तो कक्षा में बोलेगा कुल विद्यार्थी, तो 20 + 12 - 1, तो 32 में से 1 गया, तो ये कितना हो जाएगा, 31 होगा, ठीक है। याद रखना, आपको इससे पहले बताया था, अब अगर सपोज इंटरचेंज करने के बाद ना ये राजन का पोजिशन ना यहां से दे देता, राजन का पोजीशन क्या देता, राजन यहां से कहां से आ गया, दाएं से 20वें स्थान पर आ गया है, तो उस कंडीशन पे आप आंसर नहीं निकाल सकते हैं, उस चीज को याद रखना, ठीक है। ये हमारा हुआ, अब इसमें ये भी बोल सकता है कि अब नए स्थान में बोलेगा कि नए स्थान में राजन का, गगन का, गणेश का स्थान बाएं से कितना होगा, दाएं से कितना होगा, ऐसा करके कुछ भी पूछ सकता है, उस चीज को याद रखना, ठीक है। चलिए, टोटल 45 विद्यार्थी हैं, ठीक, जो पास हुए हैं ना, जो पास हुए हैं उसमें अनमोल, अनमोल ऊपर से
ग्यारहवें नंबर पर है और नीचे से 15 नंबर पर है जो पास हुए। ये पास वाले व्यक्ति हैं, ये पास वाले में इसका स्थान ऊपर से 11वां है और नीचे से 15 है, तो टोटल कितने लोग पास हुए हैं? 11 प्लस 15 माइनस 1, 26 में से एक गया तो कितने लोग हो गए? 25। मतलब टोटल आपके पास 25 लोग पास हुए हैं। कितने लोग? 25 लोग पास हुए हैं। तो 45 में से 25 लोग पास हुए हैं तो आपको बोलेगा फेल कितने लोग हुए हैं, तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा 20 व्यक्ति हमारे पास। क्लियर हुआ? ध्यान से देख लो। नाउ द बूस्टर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका ऐसा है कि एक क्लास में टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उसमें बॉयज और गर्ल्स 2 और 3 के रेशियो में है, ठीक। क्लास में रवि का स्थान, क्लास में रवि का स्थान है ना, क्लास में रवि का स्थान ऊपर से ना, ऊपर से 30वां है और बॉयज में 18वां है, ठीक है। बॉयज में क्या है? 18वां है। तो आपको ये बोलेगा कि रवि से ऊपर कितनी लड़कियां हैं, रवि से नीचे कितनी लड़कियां हैं, रवि से ऊपर कितने लड़के हैं, रवि से नीचे कितने लड़के हैं, हमको ये वाला क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। तो समझना क्वेश्चन कैसा है। टोटल 50 विद्यार्थी हैं जिसमें लड़के और लड़कियां हैं, और लड़के हैं लड़कियों का अनुपात कितना दिया हमारे पास? कितना दिया अपने पास? 2:3 में, ठीक। तो हम ऐसा मान लेते हैं बॉयज को ले लेते हैं 2x, गर्ल्स को ले लेते हैं 3x, दोनों मिला के कितने हो गए? 50। तो 5x बराबर कितना हुआ? 50। तो x कितना हुआ? 10, ठीक। इसका मतलब x कितना हुआ? 10। तो टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके 50 में x का वैल्यू 10 आया है, तो बॉयज कितने हो गए? बॉयज आपके पास 20 हो गए और गर्ल्स कितनी हो गई हमारे पास? 30 हो गई, ठीक। रवि क्लास में कितने नंबर पर है? 30वें नंबर पर है। रवि ऊपर से कितने नंबर पर है? 30वें नंबर पर है। और लड़कों में कितने नंबर पर है? 18। लड़कों में 18 नंबर पर, रवि लड़कों में 18वां नंबर पर है। इसका मतलब ये 30 में इसके ऊपर लड़के कितने हुए? 17 हुए। समझ में आ रहा है? क्योंकि रवि है लड़कों में 17 नंबर पर है, सॉरी लड़कों में 18वां नंबर पर है, लड़कों में 18वां नंबर पर रवि है। इसका मतलब रवि से ऊपर कितने लोग होंगे? 17 लड़के होंगे, तभी तो लड़कों का स्थान उसमें क्या होगा? 18वां होगा। तो यहां पर टोटल, यहां पर 30 में से रवि को मिला के 18 लड़के हो चुके हैं, तो ऊपर में कितनी लड़कियां बची हैं आपके पास? ऊपर में आपके पास 12 लड़कियां बची हैं। तो अब अगर बोलेगा कि रवि के नीचे कितनी लड़कियां थी, रवि के नीचे कितनी लड़कियां थी, तो टोटल 30 लड़कियों में, टोटल 30 लड़कियों में, क्योंकि 30 आया है, टोटल 30 लड़कियों में ऊपर 12 लड़कियां हो चुकी हैं, तो रवि के नीचे कितनी लड़कियां होंगी? 18 लड़कियां होंगी। अब अगर बोलेगा रवि का पोजिशन, रवि का पोजिशन ऊपर से लड़कियों में कौन से स्थान पर है, रवि का पोजिशन ऊपर से लड़कियों में कौन से स्थान पर है, तो रवि के ऊपर तो 12 लड़कियां हो चुकी है ना भाई, रवि के ऊपर 12 लड़कियां हो चुकी, उसके बाद यहां पर बीच में यहां पर कौन है अपने पास? रवि है। समझ में आ रहा है? फिर कौन अपने पास? रवि है। तो बोलेगा अमोंग गर्ल्स, बोलेगा अमोंग गर्ल्स, बोलेगा तो रवि का पोजीशन ऊपर से कितने नंबर पर होगा? 12 के बाद रवि होगा, तो कितने नंबर पर होगा? 13वें नंबर पर होगा। तो आपको ये बोल सकते हैं रवि के नीचे कितने लड़के हैं, रवि के नीचे कितनी लड़कियां हैं, लड़कियों में रवि का स्थान नीचे से क्या होगा, ऊपर से क्या होगा, हमको अलग अलग तरीके से ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक।
अगला एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके पास 60 विद्यार्थी हैं, टोटल 30 स्टूडेंट हैं। ए ऊपर से 30वें नंबर पर है, बी नीचे से 15 नंबर पर है। टोटल ए में, टोटल 60 लोगों में ए ऊपर से 15 नंबर पर है, बी नीचे से 15 सॉरी ए ऊपर से 30वें नंबर पर है, बी नीचे से 15 नंबर पर है। जो सी है ना, सी ए और बी के एग्जैक्ट मिडिल में है, मतलब ठीक मध्य में है। ठीक मध्य मतलब क्या हुआ कि यहां पर क्या हो गया, सी हो गया। ठीक मध्य मतलब क्या हुआ, यहां पर जितने आदमी आपको बैठे हुए मिलेंगे वहीं पर इतने आदमी आपको यहां पर बैठे मिलेंगे। क्योंकि ठीक मध्य मतलब वही होता है, अगर मैं किसी भी जगह में ठीक मध्य में बैठा, अगर मैं यहां पर बैठा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे इधर जितने लोग हुए, मेरे इधर जितने लोग होंगे दोनों की संख्या बराबर होगी, या मेरे जितने आगे लोग होंगे और मेरे जितने पीछे लोग होंगे उनकी भी संख्या वहां पर क्या होगी, बराबर होगी, तभी तो मैं ठीक मध्य में कहलाऊंगा। तो इसका मतलब यहां पर 30 और 15 हो चुके हैं, मतलब 45 हो चुके हैं, ऊपर के और नीचे के मिला के 45 हो चुके हैं। तो इसका मतलब यहां पर कितने लोग होंगे, 15 लोग होंगे। उस 15 में एक व्यक्ति कौन है, हमारे पास सी है, तो बचे कितने, 14। यहां और यहां मिला के 14 लोग होंगे, कुल 14 लोग होंगे, तो आधा आधा बांट देंगे, तो इस 14 का आधा हुआ तो यहां पर कितने लोग हो गए, 7, और यहां पर कितने लोग हो गए, 7, और सी यहां पर है। अब क्वेश्चन क्या बोल सकता है कि सी का स्थान ऊपर से कितने नंबर पर है, ऊपर से कितने नंबर पर है। यहां तक 30 लोग हो चुके हैं और यहां पे इसके आगे यहां पे 7 लोग और खड़े हैं, मतलब 30 के बाद 7 और खड़े हैं, तो 37 हो चुके हैं, उसके बाद सी खड़ा है, तो सी ऊपर से बोलेगा तो कितना हो जाएगा। अगर बोलेगा सी का पोजीशन ऊपर से तो ये हमारे पास हो जाएगा 38। अब अगर बोलेगा सी का पोजीशन नीचे से कितने नंबर पर है, तो यहां पर 15 लोग हो चुके हैं, 7 लोग, 15 7 22 हो चुका है, 22 के बाद यहां पर कौन है, यहां पर बोलेगा 22 के बाद है तो नीचे से क्या पोजीशन हो जाएगा। ठीक है, सी का पोजीशन ए से कितने नंबर पर है, तो क्या हो जाएगा, सी का पोजीशन ए से क्या होगा, 8 स्थान क्या होगा, नीचे होगा। सी का पोजीशन बी से कहां पर होगा, 8 स्थान कहां पर होगा, ऊपर पर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आपको यहां पर पूछ सकता है। क्लियर, रैंकिंग टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रैंकिंग से आपको पोजीशन मिलना आपको बहुत इंपॉर्टेंट मालूम चल जाएगा, और आपको यह मालूम चल जाएगा लेफ्ट से राइट आते हैं, राइट से लेफ्ट जाते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, नीचे से ऊपर आते हैं, वो कहां पर, वो आपको मालूम चल जाएगा, जिससे आपको आगे जाके हम सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे, डायरेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, पोजिशनिंग पढ़ेंगे, तो ये सब मैं आपको, ये चीज बहुत आपको मदद देने वाला है।